बंगाल में आज 8वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। करीब 2 घंटे से विधानसभा की 35 सीटों पर मतदान हो रहा है। वीरभूम मुर्शिदाबाद की 11-11 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जबकि कोलकाता की 7 और मालदा की 6 सीटों पर वोटिंग जारी है। आज 283 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। चुनाव में 84 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हमें हर मतदान केंद्र से देखने को मिल रही हैं। कुल 11,860 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। और हमारे साथ इस समय हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जो फील्ड में मौजूद हैं। हमारे साथ उत्तर कोलकाता से मिनोगिया लोईवाल और कुंतल चक्रवर्ती जुड़ेंगे, साथ ही वीरभूम से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। मिनोगिया का मैं पहले रुख कर लेती हूँ। मिनोगिया, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, 2 घंटे बीत चुके हैं, आप लगातार बता रही हैं कि गर्मी के चलते ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर सुबह ही भीड़ देखने को मिलती है। मिनोगिया से शायद मेरा संपर्क टूट गया है, कुंतल मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुंतल, यही सवाल मेरा आपसे, इस समय पोलिंग बूथ से क्या तस्वीरें आप हमें दिखाएंगे? देखिए, पोलिंग बूथ तक तो मैं पहुंच नहीं पाया क्योंकि उससे पहले ही यहां, मतलब जहां से मैं जा रहा था पोलिंग बूथ के तरफ, मतलब 8 और 9, 8 बजे के लाइव के बाद 9 बजे आपसे बात करने के लिए मैं जहां जा रहा था उसी बीच यह घटना घटी है। 7:50 ये जोरा चाको विधानसभा क्षेत्र में आता है। सीआर एवेन्यू बिजिएस्ट इलाकों में से एक है। महात्मा गांधी रेल मेट्रो स्टेशन बाजू में है। यहाँ 2 लो इंटेंसिटी बम फेंका गया 7:50 को। ये एक स्पॉट ये देख सकते हैं राजेंद्र, अगर आप थोड़ा बहुत दिखाएं, यहाँ ये एक स्पॉट है, दूसरा स्पॉट वो जो मैंने दिखाया। तो इसके बाद यहाँ काफ़ी हलचल मच गई है और सेंट्रल फोर्स के जो जवान, लोकल पुलिस स्टेशन से पुलिस भी यहाँ पहुँची है। और आपको बता दूँ कि ये एक ऐसा इलाका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है, जोरा चाको विधानसभा क्षेत्र। आप देख सकते सेंट्रल फोर्स के जो जवान हैं फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं। इलाके कंट्रोल लेने के बाद थोड़ा माहौल अभी थोड़ा ठंडा है, इसी वजह से वो बस में चढ़कर कोई दूसरे बूथ में जा रहे हैं। आपको बता दूँ जोरा चाको विधानसभा क्षेत्र आमने सामने है TMC के उम्मीदवार विवेक गुप्ता और मीना देवी पुरोहित, जो कि BJP की उम्मीदवार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीट है और पॉश इलाका है ये, उत्तर कोलकाता की काफ़ी प्रेस्टीजियस हाई प्रोफाइल सीट है। और यहाँ इस तरह की घटना, सुबह सुबह ऐसा लग रहा था कि शांतिपूर्ण चुनाव आज होने वाला है, जिसके आगे क्या होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल जो शांतिपूर्ण चुनाव की खबर आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक ये घटना सामने आ गई है। ठीक है कुंतल, हाँ मैं रुक करूंगी ज्ञानेंद्र का। ज्ञानेंद्र वीरभूम में मौजूद है। ज्ञानेंद्र, चुनाव हो पश्चिम बंगाल का और हिंसक झड़पों की खबर ना मिले या बमबाजी की खबर ना मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। उत्तर कोलकाता से ऐसी खबर है, वहां पर वीरभूम में सुरक्षा बल कितने मुस्तैद? आपने जिस बात का जिक्र किया है शोभना, मैं शुरुआत उसी से करूंगा, सुरक्षा बल कितने मुस्तैद। अब देखिए मुस्तैदी देखिए और मुख्य द्वार को देखिए, उसके बाद मैं बाकी की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये मेन गेट है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर 1-2 लाइन लगी होगी, लेकिन 3 मतदान केंद्र है और गेट के सामने कैसे सुरक्षा बल खड़े हैं यही तस्वीर महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए इधर, जब आप देखेंगे तो यहाँ दूरी बनाइए ये समझाइश देने के लिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं। इसके बाद ये जो है, इधर देखते हैं पहले कार्ड और फिर उसके बाद इस मतदान केंद्र में जाना है या इसमें जाना है ये समझाइश देते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर भी CRPF के लोग। तो कुल मिलाकर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जैसा कि सुबह सुबह आपने जिक्र किया था कि वीरभूम से जो तस्वीर आती है वो हिंसा की आती है, वीरभूम से जो तस्वीर आती है भले, लेकिन वो अभी फिलहाल नहीं आई है यहाँ, ये अच्छी बात है। लाइन लंबी है, महिलाओं की लाइन है, लेकिन सुरक्षा बलों को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ बार बार क्योंकि हर एक को वो समझाइश दे रहे हैं। और आपको 20-25 लोगों के बीच में 3 से 4 सुरक्षाकर्मी दिखेंगे और किसी तरह से कोई भी अप्रिय घटना न घटे इसके लिए भी सारी मुस्तैदी की गई है। और यही वजह है कि फिलहाल यहाँ से बोलपुर से, जहाँ एक नेता को नज़रबंद किया हो चुनाव आयोग ने, यहाँ ऐसी कोई शिकायत तो फिलहाल शोभना नहीं आई है। नरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, मिनोगिया भी मौजूद हैं और मुझे तमाम मेहमान भी अब दिखने लगे हैं। मेरे साथ जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हम आपको बता दें कि जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बंगाल BJP के प्रवक्ता सौरभ सिकदर हैं, TMC प्रवक्ता मानव जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं BJP के प्रवक्ता सौरभ सिकदर का रुख पहले करना चाहूँगी। सौरभ जी, अब से कुछ देर पहले हमारे साथ BJP के गेस्ट जुड़े थे, BJP के
नेता संदीपन जी, उनका ये कहना है कि ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं इसके लिए पूरी तरह से टीएमसी सरकार का ये फेलियोर है। क्या आप भी ऐसे ही मानते हैं? रैलियां तो सभी दल कर रहे थे। देखिए, खाली रैलियां फैल रहा है ऐसे बोलना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, आज जो स्थिति पश्चिम बंग का है इसके लिए पश्चिम बंग सरकार तो खुद जिम्मेदारी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने जब कोरोना का फर्स्ट वेव चला गया और डॉक्टर ने बार बार बोला था सेकेंड वेव आने वाला है, मुख्यमंत्री जो कि यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री भी है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाने के बजाय घटा दिया। हॉस्पिटल से कोरोना बेड घट गया, बहुत सारे कोरोना सेंटर को बंद कर दिया गया, पुलिस में मास्क पहनने और ये जो चेकिंग हो रहा था ये सख्ती ही बंद हो गया, सोशल गैदरिंग का परमिशन देना शुरू हो गया। तो इसलिए ये आज जो है, देखिए कोरोना जो फैला है ये इसको लेके कोई दो राय नहीं है कि ये सबके लिए खतरनाक है, सबके लिए हानिकारक है, लेकिन ये तृणमूल सरकार इसके लिए जो जिम्मेदारी है उसको नकार नहीं सकते, क्योंकि उसको स्वास्थ्य मंत्री के नाते मुख्यमंत्री को इसके लिए तैयार रहना। सिकंदर जी, ये तो आप भी जानते होंगे ना कि चुनाव आयोग के कंट्रोल में था राज्य पिछले दो महीने से। बीजेपी जो है आखिरी पार्टी थी जिसने अपनी चुनावी रैलियां और रोड सभा जो रोड शो थे उनको कैंसिल किया था। सभी राजनीतिक दल, ये सिर्फ एक बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, टीएमसी की ममता बनर्जी भी आखिरी दिन तक चुनाव प्रचार करती रही, भीड़ इकट्ठा करती रही। मैं रुक करना चाहूंगी मानव जायसवाल जी का। मानव जायसवाल जी, इस समय अगर कोरोना के मामले लगातार पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं तो आप सबकी जिम्मेदारी है, टीएमसी की खास तौर पर, क्योंकि सत्ता में आप बैठे हुए हैं। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू इंडिया। आज बंगाल में एक लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन है, लोकतंत्र का पर्व है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर परिवार अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वोट देते हुए जाए, और हमारी संवेदनाएं उस पूरे परिवार से है, उन पूरे परिवार से है जिन्होंने अपने प्रियजनों को ऑपरेशन में खोया है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे पूरे देश में कहीं पे भी हो, और हमारे बंगाल सहित। और जहाँ तक मैडम सोशल गैदरिंग का सवाल है, जहाँ तक आपका कोरोना का फैलाने का जो सवाल है, ये बहुत इजी तरीके से बीजेपी बोल सकती है, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही चीज है, दूसरे पे आरोप जड़ दो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि मार्च 2021 में जब इनके यूनियन मिनिस्टर, हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर और इनके अपने नेता जब बोलते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया, जनवरी में जब हमारे प्रधानमंत्री और इनके बंगाल के प्रधान प्रचारक जब बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने पूरे विश्व को दिखा दिया कोरोना कैसे कंट्रोल होता है, इसके बारे में ये चर्चा नहीं करेंगे। और मैडम, मैं कल एक डॉक्टर से बात हो रही थी, हमारी कुछ हमारे मित्र हैं जो बिहार और दूसरे जगहों में भी हैं और काफी बुरी तरीके से ग्रसित हैं इस पूरे महामारी में, उन्होंने एक चीज का संज्ञान लेते हुए मुझे बोला कि देखो भाई, अक्टूबर नवंबर के आसपास बिहार में इलेक्शन हुआ जो कि उस समय कोविड था, और उसके बाद क्या हुआ कि बिहार में बहुत सारे प्रवासी रहते हैं जो महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी हर जगह जाके काम करते हैं, तो उनके बाद इलेक्शन के बाद क्या हुआ कि ये लोग वापस माइग्रेट करके दूसरे दूसरे प्रांतों में चले गए। आज क्या हाल है कि जहां इलेक्शन नहीं था वहां भी महामारी फैल गई। कारण क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने पल्ला झाड़ते रही है। जो हमने बनाया है, जिस तरीके से ओयो रूम्स की अवेलेबिलिटी बताती है ऑनलाइन, हमने बताया है कि कहाँ पे हमारे आईसीयू बेड्स है, एंड दे आर डेली बेसिस, हर शाम को ये अपडेट होता है, और हमने बेड ऐड किए हैं, ये प्रमाणित है, हम बेड ऐड कर रहे हैं ये भी प्रमाणित है, और नियंत्रण रूप ठीक है कि जिनको आईसीयू बेड चाहिए, जिनको नॉर्मल बेड करने पड़ेंगे, सर सत्ता में आप बैठे हुए करने पड़ेंगे, दो मई के बाद सारा सीजन कर रहे हैं, 2 मई के बाद हो सकता है स्थिति परिस्थिति बदल जाए वहां पर, लेकिन अभी तो आप ही सत्ता में, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई पीठ थपथपाने की बात नहीं है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी बने हुए, मेरी सहयोगी मिनोगिया भी लगातार पोलिंग बूथ कवर कर रही है। मिनोगिया, इस समय आप ये पूरी चर्चा भी सुन रही है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पोलिंग बूथ पर किस तरह का उत्साह है वो आप दिखाएं, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है और बंगाल के लोग हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
शोभना, बड़ी दिलचस्प बात कही पहले सौरभ सिकदर ने, ये कहा कि सारी जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की है, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता दौले दौले जोग दीन जो इतनी भीड़ में आ रहे हैं सब जगह पर, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मास्क लगा ले। वो खुद बता दें अगर 100 में से 50 से ज़्यादा लोगों को आप मास्क लगाए हुए किसी रैली में देख सकते हो तो। और मानव जायसवाल ने जिस वेबसाइट की बात की है उनसे कह दीजिए कि एक बार अगर वो खुद उस पर ऐप पर जाकर देख लें और उसके बाद चेक कर लें उस अस्पताल में बेड अवेलेबल है कि नहीं। कोलकाता में हर दूसरा व्यक्ति, 50% से ज़्यादा जनता एवरेज पर अगर 55,000 टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें से पॉजिटिव निकल रहे हैं, और अस्पतालों की हालत क्या है वो मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए टीवी पर बताने और ज़मीनी स्तर की सच्चाई में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि आज जिस तरह से लाइन लगी है, कतार में खड़े हैं लोग, हर एक बूथ से 2-3 व्यक्ति को अंदर जाने दिया जा रहा है। उत्साह जोश में कोई कमी नहीं है, धूप और आर्द्रता दोनों बढ़ रही है। और बंगाल में देख लीजिए, आपको बता दें कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुबह से लोग यहाँ पर, हर वर्ष हर उम्र का व्यक्ति आपको दिखेगा जो इस समय बार बार आकर इन बूथ पर लाइन में लगकर वोट कर रहा है। मैम, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? जी, मुद्दा तो असेंबली इलेक्शन के लिए है, लेकिन यहाँ पे मेरी एक शिकायत ये है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि ये पैंडेमिक है और इस पैंडेमिक से हम लोगों को लड़ने के लिए सबसे पहले यही हम लोगों का पहला स्टेप ये होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो खुद कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए कई वोटर्स अलग अलग भी खड़े हुए हैं, कतार में ना खड़े होकर अपना नंबर लगाकर साइड में खड़े हो जा रहे हैं कि कम से कम जितना देर हो सके 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, कम उसका ध्यान रखा जा सके। बिल्कुल, देखिए मतदान केंद्रों पर जो भी तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स हमें लगातार दिखा रहे हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं। दिबांग, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लिया है, आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि नहीं, जहाँ चुनाव नहीं था वहाँ भी मतलब ये जो कोविड केसेज हैं वो बढ़े हैं, अब क्या कहा जाए? जी हाँ, पर आप देखिए कि ऐसा नहीं, प्रवक्ता तो ये कहेंगे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, इनका काम ही ये है। और आज तो खासतौर पर शोभना, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, तो आप आज इनसे कोई बड़ी बात की, कोई ऐसी बात की जिसमें बहुत ज़्यादा सच हो उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखें जिस तरह से मद्रास हाईकोर्ट ने साफ कहा कि चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है, और उन्होंने तो ये भी कहा कि क्यों ना चुनाव आयोग के अधिकारियों पर मर्डर के चार्जेस प्रेस किए जाए, ये उन्होंने साफ कहा वहाँ मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और आपने जिक्र किया शुरुआत में कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि ये जो वहाँ केसेस हुए हैं और करीब 135 वहाँ पे शिक्षक और सहायक शिक्षक मारे गए हैं, उनके लिए क्यों ना चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया जाए कि चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तो चुनाव आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही इसमें दिखाई देती है। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, हम सब जानते हैं कि हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने साफ कह दिया था कि अभी तो खत्म हो गया, एंड गेम हो गया कोरोना का। जिस तरह से लगातार एक उल्लास और खुशी का माहौल बनाया गया, ये बताया गया दुनिया भर को कि हमने कोरोना पर जीत पा ली है, तो वो भी एक सच्चाई है, उससे छुपा नहीं जा सकता है। और उसकी वजह से एक लापरवाही फैली, चुनाव करवाए गए, यहाँ पर कुंभ का बड़ा मेला हुआ, और जिस तरह से एक जोश बना इस बात को देखते हुए कि भारत जो है वो वैक्सीन की कैपिटल है, हालांकि उसके लिए कुछ किया नहीं गया, उससे एक लापरवाही का भाव आया, उससे एक ये भाव आया कि हम लोग इसको पार पा चुके हैं। और आज आंकड़े दुनिया में सबसे ज्यादा भारत से आ रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं, और जो विश्व की तरफ देखते हैं वो बोल रहे हैं कि आगे और हालत खराब होने वाली है। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि जितनी जिम्मेदार कुंभ का आयोजन या चुनावी रैलियां रही, कहीं ना कहीं नागरिक भी इस देश के जिम्मेदार हैं जिन्होंने लापरवाही बरतना शुरू कर दी थी। शादी ब्याह होने लगे थे, पार्टियां होने लगी थी, और उसमें लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। सौरभ सिकदर जी, जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए एहतियात तो तमाम बरते जा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे इतर अब ये है कि 2 मई के नतीजों को लेकर क्या प्रेडिक्शन है अब आपकी, क्योंकि जो लास्ट के 3 चरण हैं उसमें मुद्दे बदल गए हैं, अब मुद्दा जो है वो कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, तो क्या इसको आप अपने गेन की तरह देख रहे हैं? नहीं, 2 मई का जो रिजल्ट है उसको लेके हमारा मन में कोई संशय नहीं है कि 2 मई को हमारा सरकार बनने जा रहा है। और आज जो है, जो अभी थोड़ी देर पहले मनोज्ञा जी बोल रहे थे,
कि बंगाल में कोई हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और ये जो लापरवाही बंगाल के सरकार दिखाया है। मनोगिया ने आपकी रैलियों का भी जिक्र किया था कि आप दावे बड़े बड़े कर रहे थे लेकिन वहाँ भी कोई मास्क लगाए हुए नहीं था, आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवा पा रहे थे, रैली ऑर्गेनाइज जरूर कर रहे थे। रैलियां तो केवल बीजेपी ने नहीं किया था, रैलियां तो सारे मैं सभी से सवाल पूछ रही हूँ इसीलिए। तो आज लेकिन लोगों का जो ये गुस्सा है तो ये हमारे पक्ष में जाएगा, क्योंकि लोग अभी चाहते हैं कि इससे 2 मई के बाद ये सरकार तो इसको मुकाबला कर नहीं पाएगा, तो एक सशक्त सरकार चाहिए जो इसको मुकाबला कर सके और सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर सके, इसलिए भाजपा को लाना और जरूरी है। आज चार विधानसभा सीट वो है जिन पर जो कि बांग्लादेश बॉर्डर से जिनकी सीमाएं सटी हुई है, तो क्या आप उनको लेकर, क्योंकि घुसपैठियों का मुद्दा बड़े जोर शोर से आपने उठाया है, तो आपको उम्मीद है? बिल्कुल जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में आपने देखा है पिछले लोकसभा में भी हमने बहुत था, और ये जो घुसपैठिया का मुद्दा है वो ये तो वहाँ का जो लोकल पब्लिक है, जो लोकल रेजिडेंट्स है, इन लोगों के लिए तो बहुत बड़ा सरदर्दी है, क्योंकि ये घुसपैठिया आता है तो सबसे पहले उसका भुगतना उसी लोगों को पड़ता है। तो ये बॉर्डर एरिया लेके तो हम लोग बहुत अच्छे करने का स्थिति में है, और कलकत्ता में भी इस बार हम लोग बहुत अच्छे करेंगे। मानव जायसवाल, जिस बेल्ट में जिन 35 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है उस पर टीएमसी की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन आपने सौरभ सिकदर को भी सुन लिया है कि जो घुसपैठियों का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जा सकता है। मैडम, सबसे पहले तो सौरभ भाई को मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 7 साल से केंद्र सरकार आपकी है कि बंगाल गवर्नमेंट की? दूसरी बात, आपके सबसे बड़ी पार्टी है विश्व की, और आप लोग घुसपैठियों के बहाने बात कर रहे हैं, तो माने आप अपने कार्य का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। माने केंद्र सरकार जिनके अंदर में होम मिनिस्ट्री है और जिनके अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो वो अपने काम को ठीक से नहीं कर पाए, उनको रिजाइन कर देनी चाहिए। ये बातें नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बोलेंगे तो इनके ऊपर चालान हो जाएगा और कल टिकट कट जाएगा इनका। और जहां तक मैडम बात है बीजेपी की, तो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं, जो योगी बाबा हैं एक जगह के, जिन्होंने कल कुछ फरमान जारी किए कि भैया कोई भी ऑक्सीजन के लिए अगर ट्विटर पे कुछ बोल दे तो उसके खिलाफ एफआईआर कर दो। पश्चिम बंगाल की बात कीजिए ना, कहां उत्तर प्रदेश पहुंच गए आप? अरे डबल इंजन की बात करते हैं ना मैडम, डबल इंजन का जहां सुनिए मैडम, हम तो पश्चिम बंगाल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके वनस्पत में जहां इनकी डबल इंजन सरकार है उसका ज्ञात तो पूरे देश को कराना पड़ेगा। आज अगर बाकी मुख्यमंत्री अगर किसी के ऊपर एफआईआर कर देते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के लिए मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है अपने मित्रों से और ट्विटर से, तो गलत है। आज ट्विटर अपने हिसाब से काम कर रही है, तो भैया आप उसको हटा दीजिए मीडिया से, ये सही है। मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, क्या 2017 गोरखपुर इंसिडेंट क्या आप भूल गए? जहाँ ऑक्सीजन के खिलत में 60 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। अरे चुनावी रैलियों में याद दिलाइए ना लोगों को। यहाँ पे जो मेरा सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। आपको मिनोगिया ने बताया कि जिस ऐप का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे बेड भी नहीं है, दावे बड़े बड़े, वादे बड़े बड़े। नहीं, मिनोगिया जी जिस ऐप की बात कर रही थी उस ऐप की बात मैं नहीं कर रहा था, मैंने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की ऐप की बात करी है। आपके पास कोविड रिसोर्स बोल के एक ऐप आ जाएगा, आप अपने मोबाइल पे खोल लीजिए, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बेड्स अवेलेबल है ऑन अ डेली बेसिस उसका ट्रैकर है। कल गवर्नमेंट बेड्स जो भी अवेलेबल थे, मेरे मित्र को एक रिलेटिव है उनको बीपी पोदार बोल के एक हॉस्पिटल है, उसी ऐप के थ्रू हमको पता चला कि यहाँ पे बेड्स अवेलेबल है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्ञात करा दूं, बहुत सारे हॉस्पिटल निरंतर काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, 100% यहाँ पे बीमारियां बढ़ रही हैं, संक्रमण बढ़ रहा है। अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ की कोई खता नहीं है, वो तो अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके काम कर रहे हैं, 24 घंटे वो ड्यूटी दे रहे हैं। जिम्मेदारी तो राजनीतिक दलों की तय होगी, क्योंकि जिस तेजी के साथ जो दिखाए गए जिस तरीके के रोड शो, चुनावी रैलियां, उसके चलते अगर कोरोना फैला है तो कहीं ना कहीं जवाबदेही राजनीतिक दलों की। दिबांग, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जो पिछले 6 चरण में जो मतदान हुआ उसमें विकास होबे, खेला होबे, सब कुछ था, लेकिन जो अब ये आखिरी के चरण आ गए इसमें बस एक ही बात निकल कर सामने आ रही है, कोरोना ना होबे। बिल्कुल सही कह रही हैं, कोरोना इस आखिरी चरण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मेरे ख्याल से जितने ये जो प्रवक्ता आपके साथ बैठे हुए हैं उसको उनको अपनी आंख और कान खोलनी चाहिए और स्थिति समझनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता अभी मैंने सुना कह रहे थे कि बीजेपी चाहिए क्योंकि बीजेपी ही कोरोना को भगाएगी। आप बात करिए उत्तर प्रदेश की, बीजेपी की बड़ी जीत हुई है नवाबगंज में, उनको जानकारी होनी चाहिए। नवाबगंज में उनके विधायक कोरोना में, उनको इलाज नहीं हो पाया इसलिए मारे गए। उनके बेटे का आज बयान देख ले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को लगातार फोन करते रहे, मुख्यमंत्री ने फोन का जवाब तक नहीं दिया।
तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप किस आधार पर ऐसी बात कर रहे हैं? देश भर की हालत देख लीजिए, हाहाकार मचा हुआ है। आप अगर हाईकोर्ट को देखें तो कल हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से रेमडेसिविर के लिए प्रोटोकॉल बनाया है कि आप अगर ऑक्सीजन ले रहे हो तभी ये दवाई मिलेगी, लगता है आप लोगों को मारना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी की बात, आप देख लीजिए टीएमसी की बात, टीएमसी की प्रवक्ता यहां पर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। क्यों नहीं टीएमसी ने पहले आकर कहा कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, लगातार इससे हालत खराब हो रही है। 400% बढ़त हुई है नए मरीजों की जब से वोटिंग हुई है अब तक। चुनाव आयोग को देख लीजिए, सबसे ज्यादा निकम्मा और निठल्ला चुनाव आयोग ये मैंने देखा है। लगातार कोर्ट दर कोर्ट इस बात को कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। पिछले बार भी जब आपके साथ था तो मैंने कहा था, उसके बाद आप देख लीजिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात कही, मद्रास हाईकोर्ट ने ये बात कही, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात कही। चुनाव आयोग का निठल्लापन इतना है कि बड़े राज्यों में चुनाव हो गए, 6 दौर के चुनाव हो गए, तब जाकर चुनाव आयोग और कह रहा है कि नहीं साहब ये तो रैलियां बड़ी मत कीजिए, आप साइकिल वाली रैली मत कीजिए, आप रोड शोज मत कीजिए। चुनाव आयोग पहले क्यों नहीं जागा, क्यों नहीं चुनाव आयोग की आंखें खुली? उत्तर प्रदेश की हालत तो ये है कि जो लोग वहां पर पोल ड्यूटी पर जा रहे हैं उनको वैक्सीनेशन तक नहीं हुआ है, लगातार लोग मर रहे हैं, हजारों लोग वहां पर ऐसे हैं जो आज कोरोना से पीड़ित हैं। यहां आप बता रहे हैं हजारों पोलिंग बूथ है, वहां पर दुनिया देश भर से वहां पर लोग पहुंचते हैं। बिल्कुल, मैं यही इसी बात पर सेफ्टी आने वाली थी, मैं इसी बात पर दिबांग आने वाली थी कि आज कहीं ना कहीं तमाम वो अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, चाहे वो पुलिस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, चुनाव अधिकारी, आईएएस आईपीएस अधिकारी, सिपाही, जवान, सबने राहत की सांस ली होगी कि कम से कम ये मतदान, ये चुनाव के जो चरण है ये तो निपटे, अब बस 2 मई की जिम्मेदारी बची है, जान बचे तो लाखों पाए भागे अपने घर। आप ये देखिए कि 11,860 पोलिंग बूथ है, वहां लोग आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, और कई लोगों, जब मैंने इस पर ट्वीट किया, कई लोगों ने, अपने परिवार वालों ने लिखा कि हमें बड़ी चिंता है, हमारी माँ गई हुई है, हमारे पिताजी वहां गए हुए हैं, हम नहीं जानते कि उनको कोरोना होगा या नहीं होगा, लौट के आते हैं, कोरोना लेकर आते हैं, इसलिए फैल रहा है। चुनाव आयोग इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार है। मैं तो ये कहूंगा कि कोर्ट भी जिस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट से सुनाई दी, ये वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो हम पहले सुना करते थे, फीका हल्का बदरंग सुप्रीम कोर्ट। अगर आप देखें तो कड़कपन जो दिखाया है इसमें, वो हाई कोर्ट से दिखाया, वहां से जिस तरह की आवाज सुनाई दे रही है, इस तरह की आवाज की आज देश को जरूरत है, क्योंकि ये महामारी है। महामारी में कोई ये नहीं देखता कि ये बीजेपी वाला है और ये टीएमसी वाला है या ये कांग्रेस लेफ्ट वाला है, महामारी सब पर एक ही नजर रखती है, महामारी सबको मार रही है, इसका फिलहाल कोई इलाज नहीं है। और जिस तरह से नेताओं ने एक माहौल बना दिया, माहौल बनाने में उस्ताद है नेता, माहौल बना दिया कि कोरोना खत्म हो गया, माहौल बना बना के इन लोग चुनाव जीतते हैं, पर लेकिन कोरोना ऐसा नहीं है, कोरोना झांसे में नहीं आता, कोरोना तैयार था, कोरोना घर दबोचा है। आज हम दुनिया भर में बात कर रहे हैं, दुनिया भर की निगाहें हम पर है, दुनिया भर के अखबारों में देखिए, दुनिया भर से मेरे पास फोन आते हैं मेरे दोस्तों को कि कितनी खराब हालत है तुम्हारे देश में, देश में हालत खराब है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो। बिल्कुल ठीक है, मैं सौरभ सिकदर अब आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि दिबांग ने कहा कि चुनाव आयोग की बहुत हद तक जिम्मेदारी बनती है, जिस तरीके से 8 चरण का मतदान कराया गया पश्चिम बंगाल में, इसको कम भी किया जा सकता और था, और जब 22 अप्रैल के आसपास ये मामला विस्फोटक होने लगा तब सारे चरणों को क्लब करने की अभी विपक्षी दलों ने आपसे मांग की थी, टीएमसी ने सत्ता दल में बैठे उन्होंने भी मांग की थी। मेरा सवाल आपसे अब ये है कि अब जब चुनाव आयोग ने जीत के जश्न पर रोक लगा दी है तो कहीं ना कहीं ये स्वागत करने वाला कदम है, और ये आपकी तरफ से नहीं आए हैं, ये राजनीतिक दलों ने नहीं कहा कि हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे या हम किसी जीत पे कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, ये कदम चुनाव आयोग को उठाना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं क्या इस देश के जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं? देखिए देवांगी वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन मैं उनके एक बात से टिप्पणी करना चाहता हूँ। वो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे चुनाव आयोग भाजपा चलाते हैं, अरे चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग का फैसला वो खुद लेता है, वो वहां पे भाजपा का या किसी भी राजनीतिक दल का कुछ नहीं चलता है। तो आज और प्रश्न यहाँ भी आता है कि बंगाल में 8 चरण में चुनाव करने का जरूरत क्यों पड़ा? देखिए तमिलनाडु में लगभग थोड़ी सीट कम है बंगाल से, एक चरण में चुनाव हो गया वहां पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को वोट देना नहीं दिया जाता है शासक दल टीएमसी से। आपने पंचायत चुनाव में देखा था क्या नतीजा हुआ था, उसके बाद लोकसभा चुनाव इतने चरणों में कराना पड़ा, और आज इसी कारण उसके बाद हिंसा और बढ़ता ही गया।
तो आज केवल ये पश्चिम बंग है जहाँ पे लोगों को वोट डालने में, विरोधियों को विरोधी राजनीति करने में जान लिया जाता है, ठीक है। हमारा 150 तो हमने इसीलिए चुनाव आयोग को पास बोला था कि लोग वोट दे पाए, क्योंकि दिबांग का आपने नाम लिया है और दिबांग जवाब देना चाह रहे हैं। दिबांग का जवाब सुन लेती हूँ, उसके बाद मानव जायसवाल से भी मेरा यही सवाल है कि जो भी सवाल अब इस समय उठा, पहले मैं सुन लेती हूँ दिबांग को। दिबांग, ये मैं बीजेपी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ बहुत साफ साफ, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी जो है वो चुनाव आयोग को चलाती है। ये आपका डर बोल रहा है अंदर से, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, मैंने आपने इशारा वही किया था, नाम भले नहीं लिया था, आपने इशारा किया। आपने, मैं जानता हूँ आप मुझे बीच में रोकेंगे, क्योंकि आपको सच सुनने की आदत नहीं है, आप रोकेंगे मुझे, मैं इस बात को जानता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग जिम्मेदार है, मैंने कहा कि चुनाव आयोग जिम्मेदार है बीजेपी का, या बीजेपी जिम्मेदार है चुनाव आयोग के लिए। मैंने कहा कि मैंने कहा हाई कोर्ट ने लगातार टिप्पणियां की हैं और उसमें उन्होंने चुनाव आयोग को दोषी ठहराया है। मैंने केसर सिंह की बात की जो नवाबगंज से आपके विधायक हैं, जहां आपकी सरकार है, जो मारे गए व्यक्तियों के उनको इलाज सही ढंग से नहीं मिला। मैंने आपको जो मैंने कहा उतना ही कहिए, अगर मुझे ये कहना होता, अगर मुझे सुनेंगे आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप मुझे कांग्रेस की तरह समझते हैं, लेफ्ट की तरह समझते हैं, आप मुझे टीएमसी की तरह समझते हैं। मैं आपसे उलझूंगा नहीं, आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आपके आपके जहन में आपके पत्रकार समझता हूं और बहुत जहन में सफाई नहीं है। बात बोला है, बिल्कुल ठीक है, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सच सुन सके। आप सच सुनिए, आपके लिए काम आएगा, आपको लाभ देगा। हिम्मत तो इतना है, चुनाव आयोग मुझे ये कहना होता कि चुनाव आयोग अगर मुझे कहना होता चुनाव आयोग बीजेपी चलाती है, मैं साफ इन्हीं शब्दों में कहता, मैं आपकी तरह से डरता नहीं, उत्साह बोलता हूँ, उसी की बात करता हूँ। चलिए अब इस बहस को यही 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 मेरे पास वक्त इतना ही है, मेरे पास मैडम 10 सेकंड में अपनी बात, मानव जायसवाल आप भी पूरी कर लीजिए, फिर मेरे पास वक्त इतना ही है, मुझे ब्रेक लेना है। मानव जायसवाल 10 सेकंड। मैडम छोटी सी बात है, हम लोग बचपन में कहावत सुनते थे, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सौरभ भाई ने जाहिर कर दिया, क्योंकि देवांश भाई ने तो बोला नहीं इलेक्शन कमीशन के बारे में कि बीजेपी से मिली हुई है, लेकिन इनको दिमाग में अपना पक्ष रख दिया है, दिमाग अपना पक्ष रख दूसरी सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जिसकी ये बात कर रहे हैं लखनऊ में श्रीवास्तव जी बोल कहते हमारे परिचित भी थे, उनकी डेथ हो गई 2 दिन पहले कोविड से, और दो दिन बाद उनकी पत्नी की भी डेथ हो गई, इसके बारे में समझा नहीं। यही तो समझा रहे हैं 15 अप्रैल से हम लोग आपको कि इन चुनावी रैलियों को रोकिए, ये संकट पश्चिम बंगाल में भी खड़ा हो सकता है, यही तो समझाने की कोशिश की जा रही थी ना। ABP News आपको रखे आगे।